हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो शूट करने वाली हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग जो सब्ज़ी है वो बनाऊंगी, पर उससे पहले आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ। और अगर वैसे तो आप टाइटल देखकर थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, बट फिर भी उसके बारे में पूरी डिटेल मुझे आपको देनी है। जैसे मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, कोई भी अपने चैनल पर वीडियो शूट करती हूँ, तो उसकी डिटेल मैं आप लोगों को देती हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ऐसा मकसद था क्योंकि मेरी जो बहन हैं दिल्ली में रहती हैं, कल उनकी कॉल आई थी और मैंने इस सब्ज़ी को उनकी कॉल आई थी मुझे रात में, और मैंने उनसे बोला था कि हमने चप्पल की सब्ज़ी बनाई है, तो उन्होंने बोला चप्पल की सब्ज़ी, तो सबका रिएक्शन ऐसा होता है चप्पल की सब्ज़ी कौन खाएगा यार, चप्पल की सब्ज़ी कैसे बनती होगी। तो फिर मैंने सोचा अगर इनको नहीं पता तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उन्हें भी ना पता हो कि चप्पल की सब्ज़ी होती क्या है, उसको क्या बोलते हैं क्या ना बोलते हैं। खाते सब लोग होंगे पर सबके नाम अलग अलग होते हैं। कोई अपने में जैसे पेठे को सीताफल बोला जाता है और पेठा बोला जाता है, तो सबके अपने अपने अलग अलग नाम होंगे। तो प्लीज़ अगर आप इस सब्ज़ी को, आप में से कोई सब्ज़ी को कुछ बोलता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ तो चप्पल ही बोली जाती है। मैंने हस्बैंड से पूछा कि इसका कोई और नाम हो, तो कह रहे नहीं यहाँ पर चप्पल ही बोलते हैं, तो चप्पल ही बोली जाती है। तो चलो कोई बात नहीं, हम भी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जिस तरीके से मैं बनाऊँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर आज आप लोगों से एक छोटी सी अपनी सास के बारे में बात करने वाली हूँ। और मेरे सास के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं कि आपकी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, सच में बहुत अच्छी थी, और सबसे ज़्यादा उन्हें याद किया जाता है। मैं आपको बताऊँ किस चीज़ में उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, भजन कीर्तन में उनका बहुत ही, कहते हैं ना, वन लेवल का उनका, मतलब वन लेवल पे थी वो। और उनका ना हर एक भजन झट से सबको बोल देती थी। अगर कोई मतलब भजन पूजा पाठ अगर कुछ काम हो रहा है तो वो पता है क्या करती थी, उनका सबसे अच्छा ऐसा कोई दिख रहा है कि भाई बोरिंग से बैठा हुआ है, नहीं उसका मन लग रहा है, तो कुछ ऐसी बात बोलती थी फट देनी से ना उसका मन ध्यान की मंदिर जिसमें भजन चल रहे हैं उसकी तरफ फोकस हो जाता था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं ही मम्मी के साथ कहीं आना जाना करा करती थी। तो इस वजह से जाते तो सब लोग थे पर सबका अपना अपना अलग अलग वो होगा, भाई कोई किस तरीके से जाता है कोई किस तरीके से जाता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मम्मी के साथ कहीं जाती थी। तो देखो खटपट हर घर में होती है, सबके साथ होती है। अगर कोई ये कहता है ना कि हमारे घर में नहीं होती है तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना। तो चलो, मैंने अपनी सास के बारे में आपसे बात की तो मुझसे कमेंट किया था कि आपकी सास मंदिर में जाती है। मेरी सास बालाजी मंदिर में जाया करती थी और किसी के यहाँ भजन कीर्तन होता था तो जो अगर कोई बुलाता था उसमें भी जाया करती थी। तो ऐसा कोई नहीं है नूह में कि जो मेरी सास को ना जानता हो और मेरे हस्बैंड को कोई ना जानता हो, बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, बट ये कहना आसान नहीं है कि कोई नहीं जानता होगा मेरी सास को और मेरी जो हस्बैंड को, सब लोग जानते हैं। तो चलो चलते हैं किचन की तरफ और करते हैं स्टार्ट चप्पल की सब्जी बनाना, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जी बनती है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है चप्पल, देख लीजिए आप, टिंडे की तरह कुछ होती है पर बहुत टेस्टी बनती है ये। पूरी पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसमें। तो मैं अभी इन्हें छील लेती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इन सबको छील लेते हैं और छीलने के बाद फिर हमें इन्हें धोना भी है। जहाँ पर आपको दिख रहा है थोड़ा दागी है आप उसको वहाँ से कट करके यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अंदर इसी तरीके से आप इसके डंठल को तोड़ लीजिए और फिर आप इसको इस तरीके से छील लीजिएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर आप काटने वाले चक्कू से काटना चाहते हैं तो आप काट लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप छीलने वाले चक्कू से छीलना चाहते हैं तो आप इसे भी छील सकते हैं। तो मुझे ये वाला ज़्यादा ठीक लगता है तो इसलिए मैं इसी से छील रही हूँ इसको, और इसी तरीके से मैं इन सबको छील लेती हूँ।
तो यहाँ पर ये लगभग छिल चुके हैं, कुछ रह गए हैं तो इनको भी हम छील लेते हैं। तो आप सब कहेंगे छीलने का प्रोसेस ज़्यादा है, तो देखिए ये 1 से 1.5 किलो के लगभग है। तो कुछ सब्जी मुझे यूज़ में लेनी है और कुछ सब्जी मुझे इनके फ्रेंड हैं उनके घर भी मुझे भिजवानी है, तो उनको बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी, इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा बनवाई है, मतलब मैंने बनाई है। और ये जो टिंडे की शेप में इनको चप्पल बोली जाती है, तो ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही मंगवा लिया था, नहीं तो हमारे 4 लोगों के लिए 1/2 किलो बहुत रहता है, बनने के बाद काफ़ी कम हो जाती है ये सब्जी। तो यहाँ पर ये छिल चुके हैं लगभग सारे ही, तो अभी ने हमने धो लिया है, धो के एक छन्नी होती है ना स्टील की, उसमें मैंने इन सबको निकाल लिया है। उनका पानी निचड़ने के बाद अब हम इसके अंदर इनको इस तरीके से कट करके काट लेंगे, जौन सा आपको शेप अच्छा लगता है उस शेप में, और देखने में ऐसे लग रहे ना अमरूद की तरह, और तो पर क्या करें, पर इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी खा के देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सारे मैंने काट लिए हैं और इनके जो छिलके हैं इन्हें मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। और अब इसके लिए मुझे टमाटर कट करने हैं, तो मैंने इसमें 3 टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्च मैंने ली है इसके अंदर, और इनको भी मैं कट कर लूँगी। तो टमाटर काट लेते हैं, अब ये हरी मिर्च हैं इन्हें भी काट लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो रहा है क्योंकि अगर किसी को टाइम दे दो ना तो उस वजह से, तो भैया का फिर फ़ोन आ गया था कितना टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो गैस जला के कुकर रख देते हैं गैस पे, और इसमें डाल देते हैं तेल, 1 कलछी में इसमें तेल डाल रही हूँ, छोटी वाली कलछी है ये, आपको पता है 1.5 किलो में इतना तेल तो लग ही जाएगा। तो तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे, और ज़ीरा भुनने के बाद फिर इसमें हम हींग डालेंगे। अब हमने हींग डाल दी इसमें, और अब इसके अंदर हम जो हमारी चप्पल हमने धो के काट के रखी है वो हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। फिर हम इन्हें मिक्स करेंगे, पर उससे पहले जो हमने टमाटर और हरी मिर्च काटी थी वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं सब्जियों के वो हम डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और गरम मसाला हम डालेंगे बाद में जो हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी तब। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप ज़रूर बनाए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने नहीं बनाई है तो प्लीज़ इसे बना के देखिएगा। और अब इसके अंदर ढक्कन लगा देते हैं और विसल आने का वेट करेंगे। इतने हम और काम कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पर हमारी छाछ रखी है जो हमने बना के रखी है, अब इसमें ज़ीरा डाल देते हैं, जो मैंने ज़ीरा पाउडर घर का बना के रखा हुआ है वो, और अब इसमें काला नमक डाल देंगे। छाछ दही में अगर आप काला नमक डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, मैंने एक बर्नी में किया हुआ है डिब्बी में, तो उसी में से मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इस तरीके से छाछ को मैंने मिक्स कर दिया है, और यहाँ ढक्कन खोल के चेक करते हैं सब्जी में कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, देखिए तरी भी सब्जी में बहुत अच्छी बनी है, और इसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो यहाँ हम ग्लास में छाछ कर लेते हैं, सैलेड मैंने काट के रखा हुआ है, तो पहले हस्बैंड को और बच्चों को खाना खा देते हैं। तो यहाँ पर चपाती भी बना लेते हैं क्योंकि सब्जी चावल और सैलेड छाछ सब तैयार है, तो मैं अब इनकी फटाफट से चपातियाँ सेक लेती हूँ। और इस तरीके से तो अब रोटी भी हमारी सिक कर तैयार है, बस हमें प्लेट लगानी है, तो प्लेट भी लग गई है। तो ये है आज का हमारा मेन्यू, आप सब भी खाना खा लीजिए, छाछ चावल सैलेड सब्जी चपाती। तो यूं कुछ इस तरीके से बनाई थी मैंने चप्पल की सब्जी, और आप इसे पूरी पराठे
के साथ भी खा सकते हैं। और जब मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रसा ज़्यादा होता है, तो मैं इसके साथ चावल बना लेती हूँ। आपको पता है कि मैं चावल की बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि मुझे चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चावल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय।